कोरोना वायरस की दर्शकता में कोताही बरतने पुष्कर का एक रेस्टोरेंट। स्थानीय प्रशासन ने रेस्टोरेंट को सीज कर उस रेस्टोरेंट को पूरा सैनिटाइज किया गया। यहां पर कई विदेशी बिना स्क्रीनिंग के मिले। पुष्कर की SDM देविका तोमर ने सभी विदेशियों की यहीं पर स्क्रीनिंग कराई गई। कल तक विदेशी पर्यटकों को यहां से चले जाने के संकेत भी दिए हैं, या फिर इनको एक धर्मशाला में आइसोलेशन के रूप में रखा जाएगा, जिससे किसी प्रकार का संक्रमण भारतीयों में नहीं फैले। दिनेश पारासर, ब्रह्म पुष्कर न्यूज़। देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब जरूर करें। SDM देविका तोमर के नेतृत्व में यह टीम पवित्र पुष्कर सरोवर के किनारे स्थित एक गेस्ट हाउस में पहुंची, जहां 35 से 40 विदेशी पर्यटक रुके हुए थे, जिसमें से लगभग 3 से 4 विदेशी पर्यटकों की स्क्रीनिंग नहीं हो रखी थी, जिसको लेकर वहां मौजूद मोहन के जमकर लताड़ लगाई गई। राज मून कैफे नामक गेस्ट हाउस में काम देख रहे मोहन को बताया कि प्रतिदिन अखबारों एवं TV चैनल, सोशल मीडिया पे कोरोना वायरस की सतर्कता को लेकर समाचार व खबरें आ रही है। इसके बावजूद उसने लापरवाही बरतते हुए एक जर्मन की लेडी को स्क्रीनिंग के लिए नहीं भेजा। अब देखना यह है कि कल जनता कर्फ्यू भी है, इसके अलावा पुष्कर की होटलों में ढेर सारे विदेशी भी ठहरे हुए हैं। विदेशियों के साथ में समस्या यह है कि इंटरनेशनल फ्लाइटें लगभग बंद है, वह जाए तो कहाँ जाए। इस दौरान देविका तोमर के साथ पुष्कर के तहसीलदार पंकज बड़गुजर, पुष्कर थानाधिकारी राजेश मीना, EO अभिषेक गहलोत, RS जैन एवं चिकित्सालय की टीम, CID शाखा के शक्ति सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। साथ ही हमने एडवाइजरी दी और साथ साथ अब सख्त का कानून जो हमने लागू हुआ है, 144 का जो हुआ है सख्त, उससे बहुत ही हम कोई भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और एकदम 144 को ध्यान में रखते हुए, कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सभी होटल मालिकों को एक पाबंद करके आए हैं कि किसी भी प्रकार के संक्रमण की संभावना को ना बढ़ने पाए, उसके लिए विदेशी पर्यटकों को अपने ही होटल में आइसोलेट रखें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ले जाने की कार्यवाही करें। CID भी अपनी तरफ से उनके सी फॉर्म्स और ये लेना बंद कर चुकी है, इसीलिए कोई भी नया विदेशी पर्यटक अब नहीं रुक पाएगा। जो ऑलरेडी रुके हुए हैं उनकी सबकी स्क्रीनिंग